एवरीवन, आई श्रुति और मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने ओन चैनल पे जिसका नाम है एडुक्रून। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है मजबिल द ओटर। तो हमने बेसिकली लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था हमारा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया वाला चैप्टर, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अपना मजबिल द ओटर चैप्टर, जो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ दिस। और अगर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम्स का तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई आपको एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं लेना है, राइट? आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और बिल्कुल भी झिझकना नहीं है अपने डाउट्स को पूछने के लिए, राइट? हम आपकी हेल्प करने के लिए हैं, तो आपको आपको हमसे अपने सारे के सारे डाउट्स पूछने हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियो रिकमेंड करना है, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और साथ में पढ़ते नहीं रहना है, थोड़ा बहुत मस्ती भी करनी है और एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ मजबिल द ओटर। सो मजबिल द ओटर चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मजबिल का मतलब एक नेम है किसी जो ऑथर है उसने खुद से नेम दिया है मजबिल का, एक ओटर को। ओटर का मतलब एक जानवर है। तो एक ऑथर को एक जानवर मिला था तो उसको काफी ज्यादा पसंद आया तो उसने उसका नेम रख दिया मजबिल, राइट? तो उसमें उसकी स्टोरी पढ़ेंगे कि ऑथर को उसके बारे में क्या अच्छा लगा और क्या क्या चीजें उसने उसके साथ एक्सपीरियंस करी, राइट? तो ऑथर क्या है, एक एनिमल का नेम है, और मजबिल क्या है हमारा, जो उसने नेम दिया था उस एनिमल को। तो नेम ऑफ द एनिमल इज मजबिल एंड द एनिमल इज ओटर, राइट? सो ये है हमारा मजबिल द ओटर की एक सिंपल सी स्टोरी जो हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हमारा एक मजबिल द ओटर है, इसको हम ओटर कहते हैं। ये हमारा एक जानवर है, राइट? और इसको इसका नाम रखा था ऑथर ने मजबिल। इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। समरी से हम स्टार्ट करते हैं। द आर्टिकल फोकसेस ऑन बिल्डिंग द समरी। ऑथर ऑफ द स्टोरी इज गिवन मार्क्स। द आर्टिकल टेल्स हाउ हिज लाइफ अल्टर आफ्टर ही डिसाइडेड टू कीप एन ओटर। He is taking us through his journey in any experiences through Majbil or through the water. The journey begins from Iraq to London via flight. The hotel created havoc in fright and scared everybody. However, generous air hostess helped the author to travel the middle ladder in London. People are curious about the order and kept guessing the animal's name. Okay. तो ऑथर बताते हैं कि उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई थी जब उसने एक ओटर रखना शुरू किया था अपने घर के अंदर, राइट? तो ओटर का मतलब होता है कि एक ऐसा जो जानवर उसने रखना शुरू किया था, राइट? सो जब उसने ये वाला ओटर अपने पास रखना शुरू किया तो ऑथर बताता है कि उसकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। तो कौन कौन से उसकी जर्नी हुई और कौन कौन से उसके पास एक्सपीरियंसेस हुए जिससे उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। तो जैसे ये ओटर उसने अपना रखना शुरू किया अपने पास, तो उसकी जर्नी, वो एक फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहा था इराक से लंदन की फ्लाइट में, और अपने साथ ओटर को लेके गया था। ओटर मतलब अपने एनिमल को। तो होटल में बहुत ज्यादा हैवोक, फ्लाइट के अंदर बहुत ज्यादा हलचल क्रिएट हो गई कि एक एनिमल को कैसे कोई ला सकता है एक फ्लाइट के अंदर। तो उस ओटर ने सबको डरा दिया। बट जो वहाँ की एयर होस्टेस थी बहुत जेनरस थी, मतलब काइंड थी, तो उसने हेल्प की उस ओटर को ट्रैवल ले जाने में ऑथर के साथ, जहाँ भी उसको इराक से लंदन जाना था। तो लंदन पहुँचाने में फ्लाइट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करी एयर होस्टेस ने, राइट? तो पीपल क्लूलेस थे कि उसको कैसे हैंडल करें, और उस एनिमल का नेम गेस करे जा रहे थे, क्योंकि ओटर जो एनिमल है लोग ज़्यादातर अडॉप्ट नहीं करते ना, अपने आप पालते हैं। बट जो ऑथर था उसने ओटर को अपने साथ पाला था, राइट? तो फिर उसका नेम गेस करे जा रहे थे कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो ऑथर अपने साथ लेकर घूम रहा है। सो ऐसा कुछ दिखता है ओटर जो ऑथर अपने साथ कैरी कर रहा था। द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ राइटर ट्रैवलिंग टू बसरा अलोंग विद पूल
At the same point in the journey, the author expresses his choice to demonstrate water because he had lost his pet dog. He feels lonely. His body advised that he should get one from the marshes along the river Nargis in Iraq. As they reached the destination, they discovered that only the friend's mail had arrived, and after some days, the body left white. The narrator is still waiting to receive the email. After receiving it, he went to his room to discover a note, a complete by with a message. He named the order and the short form. So, ये स्टोरी स्टार्ट होती है जो राइटर है वो ट्रैवल कर रहा है बसरा की तरफ, राइट, और एक पूल के साथ अलोंग है वो. उस जर्नी के दौरान ऑथर अपनी एक्सप्रेस करता है कि उसकी चॉइस क्या हुई. उसको थोड़ा सा डर लगता था वाटर से, डेमोन्स्ट्रेट मतलब उसको डर लगता था वाटर से, क्योंकि जो उसका पेट डॉग था वो वाटर के कारण ही डूब के मर गया था. तो उसको वो वाली चीज़ें याद आ जाती हैं और उसको बहुत लोनली फील होता है जब भी वो वाटर को देखता है. उसकी बॉडी ने एडवाइस किया कि उसको नहीं जाना चाहिए वाटर के अंदर, और वहाँ पे एक रिवर तिरगिस भी थी इराक में. जैसे ही वो डेजिग्नेशन पे पहुँचे, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो उसके फ्रेंड्स का मेल आ गया है, और कुछ दिनों के बाद उसकी बॉडी वहीं पे है. द नरेटर जो है वो अभी भी वेट कर रहा है उस मेल का रिसीव होने का, और जब रिसीव हुई अपने रूम में गया और वहाँ पे उसको एक नोट मिला, एक बाय कोई उसको कह रहा था. तो उसने उस ऑर्डर का नाम नेम कर दिया उस ऑर्डर को. सो ये इसकी एक समरी है. इट टुक टाइम टू मिस टू गेट फेमिलियर विद द सराउंडिंग्स एंड मेड चेरिश प्लेइंग विद वाटर एंड लर्न टू ओपन द फॉसेट हिमसेल्फ. द टाइम पासिंग स्मूथली इन बसरा. हाउएवर इट इज नाउ टाइम टू गो बैक टू लंडन एज ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट परमिट एनिमल्स. सो ही हैड टू बुक सम अदर फ्लाइट. इट अलाउड मार्जिन ऑफ फ्लाइट बट इन द बॉक्स put him in a box an hour before the flight and left for having a meal. As he comes back, I found that the box is still misguided holes and destroyed the internal lining. As a result, blood was coming out of the holes. He became rushed to airport as only 10 minutes were left for the flight to take off. तो थोड़ा सा कुछ टाइम ही रहता था जब फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने वाली थी. तो जो हमारा ओटर था उस थोड़ा सा टाइम बचा था कि जो उसके सराउंडिंग्स है, जो उसके आसपास की चीज़ें, उससे उसको फेमिलियर कर दिया जाए, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है. तो उसको प्ले करवाया ऑथर ने, ओटर को वाटर के साथ उसको प्ले करवाया, उसके टाइम को चेरिश किया गया, और वो क्या था कि फोसेट को उसके लिए ओपन कर दिया गया. तो बस समय टाइम बहुत स्मूथली पास हो रहा था, बट अब टाइम आ गया था कि हमें लंदन दोबारा जाना है, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइंस है वो एनिमल्स को परमिट नहीं कर रही. तो उसको उसको जो ऑर्डर है उसको एक बॉक्स में रखना पड़ेगा ऑथर को, और तभी वो फ्लाइट के अंदर लेके जा सकता है. तो उसको एक बॉक्स के अंदर रख दिया फ्लाइट के एक घंटा पहले, और एक उसको मील दे दी. जब वो वापस आया उसने देखा कि बॉक्स वहीं पे भी है और उसमें होल्स हो चुके हैं उस, और उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो गई है. तो क्या था कि उसमें से ब्लड आने लग गया होल्स से. He becomes starved on rush to airport. It's only 10 minutes were left. But sirf aur sirf 10 minutes bache the flight ko take off karne ke liye. To flight ko take off karne ke liye to fatafat usne apna pack kiya saman aur wahan pe chala gaya hotel ke sath. He cleaned the box in the airport on time. Also explained the whole incident to the air hostess who suggested him to keep the container on his lap. He given was thankful to his kindness towards him. As soon as he opened the container, the water leave out and disappeared, thereby developing chaos in flight. Passengers had been fearful. The air hostess had taken him again to even friendly. They reached London, ping pong balls and the marbles. He even developed recreation with the narrator's broken case. तो उसने अपने बॉक्स को क्लीन किया और एयरपोर्ट पे पहुंचा टाइम के अंदर. उसने सारा सारा जो इंसिडेंट है एयर होस्टेस को एक्सप्लेन किया कि उसको इस ऑर्डर को कैरी करना है बॉक्स के अंदर. उसने उसका वो है, उसने उसको पाला हुआ है तो उसको कैरी करना है लंदन की तरफ. तो सारा एयर होस्टेस को उसने अपना इंसिडेंट बताया. तो एयर होस्टेस ने उसको सजेस्ट किया कि अपने साथ कंटेनर को अपनी लैब के अंदर रख ले. तो वो ऑथर बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसकी काइंडनेसनेस थी, उसने उसको सारी सारी उसकी बातें सुनी एयर होस्टेस ने. और जैसे उसने अपना कंटेनर खोला तो उसमें से पानी आने लग गया, फिर एकदम से गायब हो गया. तो एकदम से क्योस मच गया पूरी फ्लाइट के अंदर. पैसेंजर्स जो थे वो डर गए. एयर होस्टेस ने क्या किया, उसको एक अलग जगह रख दिया. जैसे ही वो लंदन पहुंचे तो फिर वो सही सलामत वो दोनों डिलीवर हो गए. तो इसकी समरी क्या पता चलती है, ये हमारा एक ओटर है.
He raided look with him to people of London had wide guesses about the animal. A few people think to be an infant sea school or a hippo. It was a shocking response came from a labourer digging the hole. It was the author reported to be. So इससे हमारी summary क्या पता चलती है story से कि काफी सारे लोगों के अलग अलग views थे उस जानवर के बारे में जिसका नाम था ओटर और उस ओटर का नाम जो है ऑथर ने रखा था मिस बिल राइट. कुछ कहते थे कि वो एक एनिमल है, कुछ कहते थे कि वो इन्फेंट सील है और एक हिप्पो की तरह है. और एक बहुत शॉकिंग रिस्पॉन्स आया था लेबरर से कि वो जो होल को डिग कर रहा था उसको खोद रहा था कि वो ऑथर क्या है. उससे बहुत ज्यादा अजीब रिस्पॉन्स आया था राइट. तो इसका कंक्लूजन क्या है, द स्टोरी एक्सप्लेन्स द बॉन्ड ऑफ द ऑथर विद हिज पेट ओटर एंड द सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड ड्यूरिंग द जर्नी टू लंडन. सो इस स्टोरी में पता चलता है कि जो ऑथर है उसको कितना प्यार था अपने पेट से जिसका नाम था जो एक ओटर था, क्योंकि जो लोग होते हैं जनरली डॉगी करते हैं अडॉप्ट, बट उसने ओटर किया था और उसका उसने नाम रखा था मिस बिल. तो उसको बताता है कि क्या क्या उसको एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़े जब वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था इराक से लंदन की तरफ जा रहा था, और कौन कौन से इंसिडेंसेस हुए और कौन कौन से लोगों ने कौन कौन से लोग डर गए, क्या क्या उसके एक्सपीरियंसेस हुए. तो अपना लव शो करता है स्टोरी के अंदर अपने पेट के साथ. सो ये हमारा जो चैप्टर था वो खत्म हो गया है, मिस बिल द ओटर राइट. तो हमने इसकी समरी पढ़ी. तो इसमें ट्रैवल कर रहा है ऑथर लंदन की तरफ, ये हमने देखा. सो ये हमारा चैप्टर था जो बिल्कुल कंप्लीट हो गया.